अमर शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर आज हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में स्थित शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बीआर कंबोज ने माल्यार्पण किया। रणबीर गंगवा ने कहा कि देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद उधम सिंह और अन्य शहीदों के जीवन से आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए ताकि देशभक्ति का जज्बा पैदा हो सके। उधम सिंह जी का बलिदान दिवस है आज, वो हम इकट्ठे होकर के यहाँ उनको याद कर रहे हैं और आज उन्हीं की बदौलत, उन जैसे जो अनेक जो शहीद हुए हैं उन्हीं की बदौलत हम आज आज़ादी की खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। आज भी हमारे जो नई पीढ़ी है उनको हमारे जो शहीद है उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में पता चलना चाहिए कि किस तरीके से आज़ादी उन्होंने ली थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है उसको सहज के संजोकर रख सके। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बी आर कंबोज ने कहा कि शहीद उधम सिंह जैसे शहीदों की कुर्बानियों के बाद भारतवर्ष को आज़ादी मिली। युवा पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता है कि समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने में और देश को आज़ाद कराने में क्रांतिकारियों ने अमूल्य बलिदान दिया है। अगर आज की पीढ़ी इसे अनुसरण करेगी तो निश्चित तौर पर भारत हमेशा सर्वोपरि रहेगा। नौजवान पीढ़ियों को ये बताने की आवश्यकता है हम लोगों को कि समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, चाहे वो नशा की है, चाहे वो अन्य सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करने में, इस आज़ादी को यहाँ तक लाने में जो योगदान उन शहीदों का है उसको यदि हम याद रखेंगे तो निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष को जो प्रेरणा मिलेगी उसी से भारतवर्ष जिस प्रकार से सर्वोपरि है वो सर्वोपरि बना रहेगा।